दोस्तों नमस्कार, टेक्निकबोट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने स्पोर्ट्स जीके के तीसरे एपिसोड को लेकर, जिसमें हम फिर से आपसे पूछेंगे 10 अद्भुत सवाल और उसके जवाब भी आपको बताएंगे। और इन जवाब को देने के लिए आपको मिलेगा 3 सेकंड का वक्त। यदि आप चाहें तो इस दौरान आप कमेंट करके अपने उत्तर हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा समय आपका लिए हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आते हैं पहले सवाल की ओर। आज का हमारा पहला सवाल है, 29 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी को समर्पित है? ऑप्शन देते हैं, पहला सी के नायडू, दूसरा मेजर ध्यानचंद और तीसरा लाला अमरनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद। जी हां दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इन्होंने भारत को ओलंपिक में 1928 से लेकर 1936 तक लगातार 3 गोल्ड दिलवाए थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ और इन्होंने 1949 में हॉकी से संन्यास लिया था और 3 दिसंबर 1979 को इनका निधन हुआ। चूंकि इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ, इस वजह से उनके ही नाम पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस को रखा गया है। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस देते हैं, हिमा दास, पीटी उषा, दूति चंद। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है पीटी उषा। जी हां, पीटी उषा को भारत में ट्रैक क्वीन, एशिया की स्प्रिंट उड़नपरी या गोल्डन गर्ल आदि नामों से जाना जाता है। पीटी उषा का जन्म केरल में प्योली गांव में 20 मई 1964 को हुआ था। पीटी उषा ने 4 एशियाई खेलों में 1982, 1986, 1990 और 1994 में कुल 11 पदक उठाए, जिसमें 4 स्वर्ण, 7 रजत पदक हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज का हमारा तीसरा सवाल है, इंडियन डेविड बैकहम के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देते हैं, विजेंद्र सिंह, युवराज सिंह, नीरज चोपड़ा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है विजेंद्र सिंह। जी हां, विजेंद्र सिंह बेनीवाल एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज हैं, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। दोहा ओलंपिक से लोगों ने इसको दोहा ओलंपिक खेल वर्ष 2006 में मुक्केबाजी के मिडिल वेट वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं और साथ ही साथ वर्ष 2009 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इन्हें मध्य भार की श्रेणी में दुनिया में नंबर एक स्थान दिया था। आज का हमारा अगला सवाल है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने कभी भी चोट की वजह से एक भी मैच नहीं छोड़ा? ऑप्शंस बताते हैं, राहुल द्रविड़, जवागल श्रीनाथ, कपिल देव। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है कपिल देव। जी हां, कपिल देव जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, ये एक बहुत ही बेहतरीन भारत के ऑलराउंडर थे, भारत के कप्तान भी थे, जिनकी कप्तानी में 1983 में हमने प्रथम विश्व कप क्रिकेट का उठाया था। टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज के रूप में इन्होंने 184 पारियों में एक बार भी रन आउट नहीं हुए और ऐसी उनकी फिटनेस थी कि 16 साल के अपने करियर के 131 मैचों में कभी भी ये फिटनेस या चोट की वजह से बाहर नहीं हुए। हमारा आज का अगला सवाल है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं चीन, भारत, जापान। समय शुरू होता है अब आपका। इसका सही उत्तर है भारत। 1951 में नई दिल्ली भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। भारत ने 1982 में भी इन खेलों की मेजबानी की, कुल 2 बार इन्होंने मेजबानी की। 2018 में एशियाई खेल जो संपन्न हुए वो इंडोनेशिया के जकार्ता और पलवेमांग शहरों में हुए। एशियाई खेल जो एशियाई देशों की आपसी समानता और एकता का प्रतीक है, एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय खेल कार्यक्रम होता है। आज का हमारा अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी में खेलने वाली टीमें किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? आपके ऑप्शंस हैं राज्य, क्षेत्र, समुदाय। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका सही उत्तर है क्षेत्र।
हॉकी में 4 विश्व कप, 4 एशियाई गेम्स, 4 ओलंपिक और 4 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं परगट सिंह, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है धनराज पिल्ले। जी हां, एक टूटी हुई हॉकी स्टिक से इन्होंने अपने हॉकी के सफर की शुरुआत की। 300 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले। धनराज पिल्ले का जन्म पुणे के निकट खिड़की में 16 जुलाई 1968 को हुआ। उन्होंने 1989 से 2004 तक 339 मैच खेले और 170 गोल दागे। उनकी ही कप्तानी में भारत ने 1998 और 2003 में एशियाई खेल जीते। वर्ष 1999-2000 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न और वर्ष 2000 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया। हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शंस है विश्वनाथन आनंद, मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर। उम्मीद करता हूं आपका उसका उत्तर पता होगा। चलिए देखते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। जी, विश्वनाथन आनंद, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था, वो एक भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं और पूर्व वर्ल्ड चेस चैंपियन भी हैं। 17 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। 27 वर्ष की अवस्था में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने। आनंद ने शतरंज ऑस्कर 6 बार जीता है, 1997, 1998, 2003, 2007 और 2008। आनंद एकमात्र ऐसे विश्व विजेता हैं जो शतरंज के तीनों प्रारूप, चाहे वो मैच हो, चाहे टूर्नामेंट हो या नॉकआउट हो, के विश्व चैंपियन वो रह चुके हैं। चलिए आज का अगला सवाल। किसी भी खेल में विजेता को दिया जाने वाला स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल किस धातु का बना होता है? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए देखते हैं। पहले हम आपको ऑप्शन देते हैं, सोना, चांदी, तांबा। देखते हैं आपको इसकी जानकारी है या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है चांदी। जी हाँ दोस्तों, 1912 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जो शामिल किए गए थे, वो वास्तव में पूरी तरह सोने से बने हुए अंतिम गोल्ड मेडल थे या स्वर्ण पदक थे। उसके पश्चात जो भी स्वर्ण पदक हम किसी भी खेलों में दिए जाते हैं, उनमें 93% चांदी और 6% तांबे का सम्मिश्रण होता है, और साथ ही साथ सोने के लिए लगभग 1% या लगभग 6 ग्राम की। चलिए आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं आपको इसका जवाब पता है या नहीं। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है वॉलीबॉल। जी हाँ, नेपाल का वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल है। 23 मई 2017 को यह घोषित किया गया था। उससे पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल डांडी बायो हुआ करता था, जो कि बिल्कुल वैसा ही खेल है जिस तरह से भारत में गिल्ली डंडा है। काफी आश्चर्य की बात हो सकती है कि नेपाल में गिल्ली डंडे जैसा खेल उनका राष्ट्रीय खेल था, परंतु 2017 से वॉलीबॉल उनका राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे स्पोर्ट्स जीके से संबंधित 10 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे हमें दिशा मिलती है और अच्छा बेहतर करने की। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।